चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ करंट इन अ कॉइल वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एज आई इज इक्वल टू 3t² + 2t, इफ इंड्यूस कॉइल बी 10 मिली हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पे कितनी होगी ईएमएफ की वैल्यू, क्या होती है, माइनस एल डीआई बाई डीटी होती है, एल डीआई बाई डीटी। तो आई की वैल्यू दिया हुआ है 3t² + 2t, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा, 3 × 2t + 2 × 1, 6t + 2 di/dt की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू अगर t = 1 सेकंड के बाद, t = 2 सेकंड पे di/dt की वैल्यू क्या होगी, t = 2 सेकंड पे तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 + 2, ये हो जाएगा कितना, 12 + 2 = 14, 14 आया, ये 14 आया गया, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। L की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मिली हेनरी, तो 10 × 10⁻³ × 14, करेक्ट है, तो इसको आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, −14 × 10⁻², ठीक है, या −0.14, ठीक है, और इसको मॉड में कर लें तो क्या हो जाएगा, 0.14 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, पहला ही वाला ऑप्शन, 0.14 वोल्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।